लोगों ने याद किया। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बेटमा में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को बेटमा नगर परिषद ने भेंट की राशि व चेक। नगर परिषद बेटमा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को 26 लाख रुपए वितरित किए गए। नगर परिषद परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में 19 हितग्राहियों को अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत प्रत्येक को 5,000 रुपये नकद और संबल योजना सहित अन्य योजनाओं के चेक वितरित किए गए। वहीं इस पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी उनकी राशि का भुगतान किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान ने सभी लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पिछले 4.5 साल के शासन में मैंने सभी को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ दिलाया और किसी को भी कोई तकलीफ नहीं आने दी। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर चौहान, CMO मीनाक्षी पाटीदार एवं सभी पार्षदों के साथ स्थानीय राजवाड़ा उद्यान के पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने संदेश दिया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष सहित नगर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जो जिन लोगों के घर पर महीने एक दो महीने में आकस्मिक निधन हुआ उनको 5,000 रुपये की अंत्येष्टि सहायता और 2 लाख रुपये की उनकी जो पंजीयन हुए थे उस पंजीयन योजना के पूर्व की पंजीयन योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये की राशि के स्वीकृति पत्र नगर परिषद के द्वारा वितरित किए गए और साथ में 600 रुपये महीने की हितग्राहियों को पेंशन योजना का भी लाभ दिया गया। तो ऐसा सभी पार्षदगणों का और सभी नगर परिषद के कर्मचारियों का निवेदन था कि आज के अवसर पर अपन सभी को हितग्राही लाभ दे। तो जिस मुझे बेटमा नगर के सभी मातृशक्ति और सभी युवा साथी और बुजुर्गों ने जो मुझे आशीर्वाद देकर 4.5 वर्ष पूर्व मुझे नगर परिषद बेटमा का अध्यक्ष बनाया, तो उसी अवसर पर और उनके ही सहयोग से और आशीर्वाद से आज मैं इस 4.5 साल के कार्यकाल में नल जल योजना से लगा के सफाई स्वच्छता से लगा के पानी में और स्वच्छता में मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर आया और अभी भी